ये देखिए मैत्री, ये मैत्री के अधिकार, ये मैत्री का सम्मान स्वाभिमान कि भलाई वो राजा है मेरा मित्र है। द्वारपालों ने कहा कि आप कौन हैं, अंबर से लगते, हमने तो बहुत बार नारद को देखा पर उससे कहीं अधिक विरक्ति, उससे भी कहीं अधिक वाक वैभव, उससे भी कहीं अधिक आपका वैराग्य, उससे भी कहीं अधिक आपका ज्ञान गांभीर्य। हम चतुरानंद को जानते हैं, महादेव को पहचानते हैं, पर आप कुछ भिन्न हैं। अंबर भी बहुत छोटा है आपके सामने, आप इतने धीर गंभीर, आपकी प्रज्ञा, आपकी विरति, आपका धर्म, आप बड़े महान हैं। आप कौन हैं? मैं सुदामा हूं, पर मुझे माधव से मिलना है। जरा भीतर जाओ, कहो अगर ये उसी का घर है तो। कृष्ण से कहना, बनवारी गिरधारी मदन मोहन गोपाल से जाकर कहो सुदामा आया है, ये अधिकार देखो। और वे द्वारपाल बेचारे, वो एक बार तो अभिशप्त हो ही गए थे, शनकादिक ने श्राप दिया था उनको, अब वो ऐसा कोई और जोखिम उठाना नहीं चाहते थे, तो भागे भीतर। उनकी सीमाएं थी, द्वारपालों की कोई सीमा, उस सीमा से आगे कैसे जाएं? अंतःपुर में, रनिवास में, जहां पुरुष पहुंच नहीं सकते, वो भी कृष्ण के अंतःपुर में, कृष्ण रनिवास में, जहां षोड़ सहस्त्र रानियां, उनमें भी 100 पटरानियां, उन 100 में भी 8 विशेष साम्राज्ञियां, उन 8 में से भी एक रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी। उनका साहस देखो द्वारपालों का, वो दौड़ते गए और एक नाम जपते गए, वो भयभीत से हो गए, वो कुछ बौरा गए, कुछ उन्मादी से हो गए, एक भावराज्य में चले गए, एक आनंद राज्य में डूबे हुए द्वारपालों के मुंह से एक नाम निकलता है और वो कहते हैं सुदामा है द्वार पर, सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा है, कोई द्वार पर सुदामा आ गया। भागते हुए भीतर पहुंचे वो, रानियां चकित हैं कि पुरुष कौन आ गया ये हमारे बीच में, और वे पटरानियां, और स्वयं रुक्मणी ने पूछा, अरे तू क्या चाहता है? अरे प्रभु से कहो, कोई स्वामी से कहे, द्वार पर कोई सुदामा है। और ये नाम कृष्ण के कानों में, जैसे ही सुदामा एक स्वर कान में गूंजा, तब वे रत्न जड़ित जूतियां पहनी रहे थे कि वो परे कर दें, माथे पर मुकुट धारण करना ही चाहते थे कि परे हट गया। असहसे प्रभु दौड़े द्वार पर, वो द्वारपालों के संग ही उस नाम को भी रटते हुए पहुंचे, द्वारपालों से पूछते सुदामा है क्या, सुदामा है द्वार पर, सुदामा, और द्वारपाल कहते हैं सुदामा है द्वार पर, सुदामा है, और पूरी द्वारिका में नाम गूंज गया, कोई सुदामा। कृष्ण द्वार पर गए, लिपट छिपट गए कृष्ण, दीन दुर्बल ध्वज के साथ, वो अंक में भरकर रोदन करने लगे। रुक्मणी आदि समझ गई भगवान पाद्य पूजा करना चाहते हैं, अर्घ और आचमन देना चाहते हैं, भगवान कुछ नैवेद्य भोग लगाना चाहते हैं, इस महापुरुष की वो आरती उतारना चाहते हैं, भगवान इसके चरण पखारना चाहते हैं, वो समझ गए। इसे सुंदर से सोने की परात में जल भरकर वो ले आई, सुदामा को ऊंचे से आसन पर बिठाया प्रभु ने,